भाई अर्चना गौतम भी पहुंच चुकी थी यहाँ पर सीसीएल 2024 में और वहां पर मनारा से हो गई है उनकी मुलाकात। लेकिन मनारा यहाँ पर मुनव्वर को और कई चीजों को लेकर के यहाँ पे डिफेंड करते हुए नजर आई है अर्चना गौतम के पास। कई सारे आर्टिकल निकल के सामने आ गए। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें आई है यहाँ पर सीसीएल 2024 में। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से ज्यादा यहाँ पर मनारा चोपड़ा, उनकी कहानियां यहाँ पर जिस तरह से हो रही है वो मजेदार लग रहा है। यहाँ पर उनकी स्टोरीज वगैरह लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके बारे में तो खुद यहाँ पर मनारा ने ही रिवील कर दिया कि भाई अब्दू रोजिक ने भी उनको ये बात बोला है कि स्टोरी लगाया करो, स्टोरी से लोग जो है काफी आदाब से कनेक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें यहाँ पर मनारा चोपड़ा से जब कही तो वहीं पे दोस्तों अर्चना गौतम आई हुई थी। और अर्चना गौतम को भाई कौन नहीं पहचानता, चाहे खतरों के खिलाड़ी की बात कर ले या बिग बॉस सीजन 16 की बात कर ले, दोनों ने ही यहाँ पर अर्चना गौतम ने दोनों में ही जाकर के कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर छाप छोड़ा है। और अर्चना गौतम को अभी भी लोग यहाँ पर उनके ओपिनियन, उनकी बातों को सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव रहता है किसी भी मुद्दे को देखने का। और ऐसा ही एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर वो देते हुए नजर आई है मनारा के सामने, जहां पर मनारा जो है डिफेंड करते हुए मुनव्वर फारूकी को नजर आई। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर बोलते हुए नजर आई कि भाई कैसे यहाँ पर कोई आदमी बहुत ज्यादा गलतियां करता है और फिर उस चीज को लेकर के यहाँ पर वो डिफेंड भी करता था घर के अंदर। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं आयशा खान वाले मैटर को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर मुनव्वर ने चीजों को रिएक्ट किया था, उस पर यहाँ पर बात करते हुए नजर आई। जहां पर आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मनारा पहले इस चीज को लेकर के घर के अंदर कई तरह के यहाँ पे चीजें बोलते हुए नजर आई, कभी साथ कभी अपोजिट में, कभी मुनव्वर के खिलाफ कभी मुनव्वर के साथ वाला। लेकिन अभी आप जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो, क्योंकि यहाँ पर मनारा को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा था अर्चना ने, और उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे भी इक्वेशंस बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल लग रहे थे, भाई तुम लोग कर क्या रहे थे घर के अंदर, जिसपे यहाँ पे मनारा ने जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया खुद को और मुनव्वर को। दरअसल वो बोलते हुए नजर आए कि भाई आप तो यहाँ पर रह चुकी हो अंदर, आपको तो मालूम ही होगा कि घर के इक्वेशंस जो है वो कितना ज्यादा बदलते हैं। वहीं पर कई बार आपसे चूक भी हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि भाई घर के बाहर लोग आपको किस तरह से देख रहे हैं, किस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, किसको लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब आपको पता नहीं होती तो कई बार आपसे भी गलती हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मनारा ने यहाँ पे मुनव्वर को डिफेंड किया या खुद को ही डिफेंड करने के लिए ऐसे बातें बोले हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।